So guys, this is Husqvarna with Pillin. This is Swat Pillin. Wow. हेलो गाइज, नमस्ते, वणक्कम एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आरकेडी ट्रैवलॉग्स। कुछ दिन पहले मैं गया था, कुछ दिन पहले नहीं एक्चुअली काफ़ी पहले, लॉकडाउन से पहले मैं गया था KTM शोरूम, जो कि चेक करने गया था Husqvarna का। अगर टेस्ट राइड मिलेगा तो आई कैन गिव यू सम रिव्यूज अबाउट इट, बट Husqvarna विद Pillin या Swat Pillin का कोई टेस्ट राइड मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम अवेलेबल था नहीं टेस्ट राइड के लिए। तो मैंने जस्ट एक ग्लिम्स उसका कुछ रिकॉर्ड किया था, जो कि अभी देखेंगे हम लोग आगे। लॉकडाउन के काफ़ी दिन हो गए, बाकी सारे पुराने कुछ वीडियोस पेंडिंग थे, सब कंप्लीट करने के बाद फाइनली मेरे को ये वीडियो को देखने का मौका मिला। जो भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था देख के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, जो भी मैंने देख के जो फील किया बाइक को, जो कि बहुत अमेजिंग सा बाइक है देखने के लिए। एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद जाके ज़रूर टेस्ट राइड लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा फील आता है चलाने में और उसके क्या फीचर्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी बस एक ग्लिम्स है, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कैसा पड़ा है बाइक पे, वो देखते हैं। चलो लेट्स जंप इन द वीडियो, लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। Hi, I just came here to see the bike, so not discussing. I'll come tomorrow. Dude, is there a test ride available for this? No? Okay, I can just look at it. So guys, this is Husqvarna with Pillin. This is Swat Pillin. Wow. Wow, abhi test ride iska available nahi hai. 250cc. It's not a very tall bike, but still pretty much tall. Look at the handlebar here, and look at the handlebar here, little raised one. So yahan se there's a handlebar raiser, huh? And there is something different on this one. What is this? Maybe for tank bag. Wow, the tires are different too. This is more of a touring category, I believe. Wow, there's a slight difference between the two, but both are 250cc. That is with Pillin. This is Swat Pillin, which is SWARTPILEN, Swat Pillin. The major difference is the handlebar and something like this, जो कि आई थिंक टैंक बैग के लिए है। टायर्स आर डिफरेंट टू, नाइस। मैम, एनी आइडिया वेन दिस विल बी अवेलेबल फॉर टेस्ट राइड? Week or 10 days. Okay, I'll come back then after 10 days or 15 days. Thank you. Guys, अभी आपने देखा Husqvarna के दोनों bikes, which is with Pillin and Swat Pillin. जो with Pillin है, जो थोड़ा सा cafe racer type है और वो ज़्यादा aggressive लग रहा है उसका sitting position देखने में। जो Swat Pillin है, वो ज़्यादा लग रहा है जैसे touring bike जैसा, क्योंकि उसके handlebar थोड़े से raised हैं और थोड़े से off-road और kind of off-road and on-road वाले tires हैं। सो अभी तक का इम्प्रेशन यही है कि दोनों बाइक बहुत अच्छे दिख रहे हैं और दोनों की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं। कभी टेस्ट राइड मिलेगा आगे तो इन डेप्थ रिव्यू करेंगे इसका। स्टे ट्यून्ड, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। एंड मेरे कंटेंट कुछ ऐसे होने वाले हैं ट्रैवल रिलेटेड और बाइक रिव्यूज़ रिलेटेड, सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। पहले मैंने एक हिमालयन BS6 का रिव्यू वीडियो बनाया था, जस्ट नॉर्मल मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था। क्लिक ऑन द आई कार्ड, ऊपर कोने में आ रहा होगा कहीं पर, प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ और स्पेसिफिकली जानना है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता दो नीचे।
एंड प्लीज जाके मेरे दो सीरीज हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, एक साउथ इंडियन जंगल सागा एंड साउथ इंडियन ओडिसी, जो कि साउथ इंडियन ओडिसी कम्प्लीटली मेरा सोलो राइड था एंड कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने साउथ इंडियन जंगल सागा किया था, कुछ एक जगह हमने केरला में कवर किए थे। सो जाके देखो, वो काफ़ी अच्छे सीरीज है, काफ़ी एडवेंचरस था हमारे लिए भी, काफ़ी नए जगह हमने एक्सप्लोर किया। तो वो जाके एक पिक्चर है जो कि मेरे सोलो राइड का था, साउथ इंडियन ओडिसी का। हॉस्कोना का भी टेस्ट राइड लेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसा है बाइक, चलाने में कैसी फील आती है ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो भी आप तक ने अभी तक मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, भाई को ज़रूरत है। एंड गाइज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल आपको पता ही है, COVID-19 का क्या सिनेरियो है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, सब लोग काफ़ी परेशान हैं चीज़ों को लेके। सो गाइज, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि इसी का सोल्यूशन यही है। बाकी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स सब लोग काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सो प्लीज़ बाहर मत जाओ। दिन आएंगे बाहर जाने के भी, फिर से हम लोग सब भागेंगे इधर उधर, सब लोग राइड पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, सब एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल प्लीज़ घर पे रहो। और जैसे सब लोग बोल रहे हैं, मैं ही नहीं, अकेले नहीं, मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि घर पे रहो। इसका व्लॉग ख़त्म करते हैं यहाँ पर, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलेंगे हम अगली बार नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।